तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल की है हमारी पहली क्लास है। तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट एक्सेल के बारे में। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे एक्सेल का आर्किटेक्चर, क्योंकि उससे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल का बेसिकली हम यूज क्या करेंगे। अब अपने ऑफिस में एक्सेल का यूज रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं, कुछ लोग डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। तो फाइनली एक्सेल का यूज क्या होता है, जैसे टैली, एक्सेल का टैली का यूज होता है आपका अकाउंटिंग के लिए, पेरोल का यूज होता है आपका सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी मेंटेनेंस के लिए। उसी तरीके से एक्सेल का बेसिकली यूज क्या होगा, आप ऑफिस में क्या यूज करोगे एक्सेल का, चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका डेटा स्टोरेज, लेकिन आप बता दूं कि ये कोई डेटाबेस नहीं है। एक्सेल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई डेटा स्टोरेज नहीं, डेटाबेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि पहले इसमें लिमिटेड आपके ये है रोज है, लिमिटेड डेटा स्टोर हो सकता है। दूसरा, इसमें जब आप 10 लाख तक का रो है, लेकिन 2 या 2.5 लाख तक आप जाते हैं तो आपका एक्सेल हैंग होने लगता है, करप्ट होने के चांसेस है, इसका सिक्योरिटी कोई भी तोड़ सकता है, ऐसे बहुत सारी फॉल्स पॉइंट है। लेकिन हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, कौन सा डेटा? तो 3 तरह के डेटा स्टोर होते हैं। पहला, मिसलेनियस डेटा, जैसे मान लीजिए आप टैली यूज करते हैं, आप पेरोल यूज करते हैं, फिर भी आप एक्सेल में स्टोर करेंगे, जैसे कि पेटी कैश का रिकॉर्ड, आप 2 रुपए की आपने फोटो स्टेट कराई है, इसकी लेजर थोड़ी आप टैली में और बाकी जो भी सेल्फ फिको वाली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसमें खोलेंगे आप, उसको तो हम एक्सेल पे रखेंगे और पूरा एक बार पेटी कैश के अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। उसका रिकॉर्ड तो हमें ये रखना पड़ेगा ना, कितना खर्च हो रहा है। तो ऐसी मिसलेनियस चीजों को हम एक्सेल में रखते हैं। दूसरा, एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जैसे कि हम जैसे छोटे लोग जो हैं, जिनके पास डेटा बहुत कम होता है, वो क्या करते हैं, एक्सेल में ही डेटा को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, डेटा बेस सॉफ्टवेयर जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल सैप, इस तरह के एनालिसिस। तो हम लोग एसएमई मतलब कि एक्सेल में डेटा स्टोर कर लेते हैं, स्मॉल मीडियम डेटा जो होता है एक्सेल में स्टोर कर लेते हैं। तीसरा है एनालिसिस डेटा। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वहां भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। कौन सा डेटा? एनालिसिस डेटा। जैसे मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट आपको बनानी है, बट उस रिपोर्ट का डेटा तो कहीं रखना पड़ेगा ना सर। ह्यूमन रिसोर्स का एक एनालिसिस डेटा है हमारा, तो जो रिपोर्ट हमारा बना, ये रिपोर्ट आपको जो बना है, अब रिपोर्ट ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट, जैसे मैं अगर मान लीजिए आईटी सिलेक्ट करूं तो पूरा रिकॉर्ड आईटी के बिहाफ पे चला जाता है। अच्छा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं फाइनेंस को सिलेक्ट किया तो ये सेक्शन फाइनेंस की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली डेटा है ना यहाँ पे। तो ये हालांकि ये डेटा मान लीजिए इस और सॉफ्टवेयर में लोड होता है, लेकिन मुझे इस पे एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनानी है, तो मुझे इसको एक्सेल शीट में होल्ड तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तो हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपकी समरी निकाल पाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको देख पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोरेज का 3 क्राइटेरिया मैंने बताया। पहला है आपका मिसलेनियस डेटा, दूसरा है आपका एसएमई शॉर्ट मिनिमम डेटा, बता रहा हूँ ये किसी बुक का या किसी ने कहा नहीं है, ये मेरी 17 साल का रिसर्च है। हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन सारी मेरी थिंक है, मेरी सोच है। ठीक है, आपने 3 टाइप्स बताए, मिसलेनियस, एसएमई और एनालिसिस। जी।
इसके आगे बढ़ते हैं जी। ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से अच्छा सॉफ्टवेयर तो कोई है ही नहीं। आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, कमीशन करना है, जीएसटी करना है, इनकम टैक्स करना है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन को आप एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के कैलकुलेशन को एक्सेल में बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सेल को देखे, ऑरिकल को देखे, एसक्यूएल को देखो, तो वहां फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है। एक सेल टू सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए 52 सेल है, क्वार्टर टू में 56 सेल है, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ हमारा क्वार्टर टू? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। बिल्कुल। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला को सिंपल यहाँ अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ एक सेल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या परसेंट है? 7% का, 7.5% का उसका ए है, मतलब कि ग्रोथ है। तो इस तरह सिंगल कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते एक्सेल पे, वहां पे बाकी सॉफ्टवेयर पे, बट सो कैलकुलेशन के बिहाव पे एक्सेल बहुत ही अच्छी चीज है। कैलकुलेशन के बाद तीसरा नंबर जो पार्ट आता है वो आता है एनालिसिस। यहां कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? माफ कीजिए, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है। आप बोलेंगे कि एनालिसिस मतलब? देखिए अभी जो आपने रिपोर्ट देखी थी, इस तरह की बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स हैं जिसको हम एक्सेल के जरिए बनाते हैं। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे ये देखिए, तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स बन रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो इस तरह की जो एनालिसिस जो है हमने एक्सेल में किया। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक्सेल परफेक्ट है। पावर बीआई, टैबलू, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि इस तरह की रिपोर्ट जो एक्सेल में बनाने में घंटों लगता है, वो वहां पे 5 मिनट 10 मिनट में बना देता है। ओके। पर प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के पास पावर बीआई या टैबलू तो है नहीं ना इस रिपोर्ट को देखने के लिए। जी। इसलिए एक्सेल में ही बनाने के लिए परफेक्ट है अगर आप टैबलू और पावर बीआई को हटा दे तो। अब रिप्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन के लिए तो जनरली लोग बोलते हैं हम तो पीपीटी इस्तेमाल करते हैं। डायनेमिक प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी सही नहीं, जैसे आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है, राइट? जी। अब मान लीजिए इसकी आपने प्रेजेंटेशन बना ली, तो एक जो है बेसिकली आपका एक ही पर्टिकुलर नेम और डिपार्टमेंट का है ना। मुझे इसमें किसी और डिपार्टमेंट का चाहिए, से मान लीजिए किसी और पर्सन का चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट का चाहिए, जैसे अकाउंटिंग फिक्स हो गया, किसी और पर्सन का चाहिए। जैसे मैं पर्सन का नेम मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, पूरा रिपोर्ट चेंज हो रहा है ना जी। क्या तो इस तरह से वहां पे हम नहीं कर सकते ना पीपीटी पे? हमें अगर मान लीजिए 5 या 6 अलग अलग हमारी क्राइटेरिया है, तो 6 अलग अलग पीपीटी बनाने पड़ेगी। मैं मंथली मान लीजिए ना कि मुझे मंथली डेटा दिखाना है, जैसे ये देख लीजिए मंथली डेटा हमें दिखाना है, तो वहां पे एक दिक्कत क्या होगा कि मैं जैसे ही यहाँ पे अपना रिपोर्ट चेंज सिलेक्ट करूंगा, अपना जो भी कैटेगरी है कस्टमर, मैं पूरा रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्या?
तो ये फीचर्स नहीं, तो वहां पे तो मुझे वहां पे जितने हमारे जो कस्टमर है उतने चार्ट वहां बनाने पड़ जाएंगे ना मुझे। बिल्कुल, यहाँ तो बस एक ही चार्ट पे करूंगा, एक ही चार्ट पे सब कुछ हो रहा है, और वहां पे जो भी फीचर्स लेता हूँ मुझे इसका रिपोर्ट आ जाता है। तो इसके बिहाव से, जिसके एनालिसिस के बिहाव से बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। तो अगला ऑप्शन आता है, वो आता है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग के लिए एक्सेल परफेक्ट है। मान लीजिए मुझे आपको रिपोर्ट भेजना है, तो हम कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेफर करेंगे? एक्सेल का ही ना। बिल्कुल, मैं टैबलू, पावर बीआई, SQL या बाकी चीजों पे भेज दूंगा तो मुझे शक लगाएगा कि आपने उस फाइल को देखा है ना देखा, क्योंकि आपके पास SQL है या नहीं है, आपके पास Oracle है या नहीं है, टैबलू है या नहीं है, पावर बीआई है या नहीं है। लेकिन एक्सेल तो होगा ही होगा। एक्सेल आपके पास नहीं भी है तो आपके पास वेब वर्जन तो है ना, आप मेल, गूगल, अपने मेल पे भी कोई किसी भी फाइल को क्लिक करके देख सकते हैं। ओके जी, गूगल सीट के जरिए देख सकते हैं। सो हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग। तो चार के लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। ऑफिस में आप किसी भी ऑफिस में चले जाए तो इसी तरह की चीजें पे ही आपको यूज करना होगा मोस्टली। ओके ओके, अब बात करते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में। एक्सेल में एक वर्कबुक होता है, वर्कबुक के अंदर शीट्स होता है और शीट्स के अंदर रो एंड कॉलम होता है। रो एंड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करता है उसको सेल कहते हैं, और डेटा, कुछ भी डेटा स्टोर होता है तो उसी सेल पे हो, सिर्फ डेटा, ग्राफिक्स नहीं। अच्छा, ग्राफिक्स स्टोर होता है, किसी सेल पे स्टोर नहीं होता है, वो सीट पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया तो पिक्चर किसी सेल की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो इसका एड्रेस है DA। अब DA क्या चला, यहाँ ऊपर दिख रहा है DA कॉलन एंड 8 नंबर रो, इट्स DA। ठीक है। हर सेल का रेफरेंस होने के पीछे रीजन ये है ताकि मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसका यूज करूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे 30 लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 50, मैनुअली यहाँ पे 30 प्लस 50 कर सकता हूँ, इक्वल फॉर्मूला का पार्ट होता है। अब यहाँ पे 80 आ गया बट इन दोनों से लिंक नहीं है, अगर कल के डेट में 40 हो जाता है तो इसको मैनुअली जाके आपको फिर वापस जो है 50 प्लस 40 करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने रेफरेंस ले लिया कि इक्वल सी प्लस D5, D5 का मतलब हुआ कि C5 की वैल्यू, C कॉलन एंड 4 नंबर रो की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अब जो भी वैल्यू हम उस C में और D में डालेंगे उसका समेशन E में आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इंटरप्रेस कीजिए, समझ आ गया यहाँ पे। अब ये लिंक हो गया, अगर मैंने आप इसको 60 कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। ओके, तो सेल एड्रेस इसलिए डिफाइन किया गया होगा, हमने यहाँ पे C3 कर दिया मतलब, यहाँ पे D3 कर दिया मतलब इसी सीट का C3 D3। अगर डिफरेंट सीट का है तो मुझे इक्वल करके उस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का पाथ आएगा, दिख रहा है? जी दिख रहा है। ऐसे अगर डिफरेंट फाइल में गया तो इसी से आ गया, फाइल का नेम लग जाएगा। तो आपने, आपके पास जो सिंपल अगर सेल एड्रेस है कॉलम एंड रो तो सेम सीट का होगा, अगर सिर्फ सीट नंबर, सीट नेम और कॉलम एंड रो है तो उसी फाइल का, उसी उस फाइल के उस सीट का C3 होगा।
अगर फाइल नेम लग गया तो डिफरेंट फाइल चला जाएगा। अच्छा आगे बढ़े इसमें। ठीक है, तो ये जो आपने शीट वाली चीज करी ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे, आपने लिखा था शीट टू। अब मैंने लिखा नहीं था, जिस पे गया था क्लिक करते अपने आप आ जाता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है आगे बढ़े। अब बात आती है, अब जैसे कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चीजें, लेकिन उससे पहले इस चीज को जानना जरूरी है कि कल के डेट में अगर मान लीजिए आपको मैं टॉपिक पढ़ाया और आप टॉपिक को भूल गए। अच्छा, तो अगर आपको कैसे याद रहेगा, कैसे याद करोगे आप? मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने पढ़ाया था बट पर थोड़ी सी अगर मेमोराइज हो जाए तो आपको सब याद आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करें इसका? तो उसके लिए क्या है कि इस पे कर्सर जैसे आप रखेंगे, कर्सर रखते ही यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। इसी में नीचे आप टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल हेल्प में आपको यहाँ सारी चीजें लिखी हुई आ गई। अब जनरली लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का दिक्कत है, तो आप लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। जी, गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गूगल पे हम जैसे आप जैसे लोग ढूंढते हैं जी, और आर्टिकल के जरिए, वेबसाइट के जरिए, वीडियो के जरिए, लेकिन वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता। वो 100% सही हो इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है ये 100% प्रूफ रीड है, इसमें 100% सही है, हर चीज सही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दस हजार, जैसे मान लीजिए आपको लिमिटेशन सर्च करना है, तो मुझे पता करना है कि किस फील्ड का क्या लिमिट्स है, कितना रो हो सकता है, कितना कॉलम हो सकता है, कॉलम कितना बड़ा हो सकता है, एक सेल में हम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, उन सबके बारे में यहाँ ऊपर सर्च दिख रहा है ना, सर्च पे सर्च किया, जैसे मैंने लिमिट सर्च किया, आ गया लिमिट जी, क्लिक कीजिए। यहाँ एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स आ गया और यहाँ पे इसके सारे मैक्सिमम लिमिट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हेलो, ये लिमिट आ गई ना इसकी, क्या बोल रहे हैं, लिमिट आ गई ना ये, हाँ फीचर्स और एक्शन लिमिट। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर इसको संस्कृत के श्लोक की तरह रट जाए, हाँ पर एक्चुअली पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये काम आता है इसलिए एक बार एक्चुअली पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं। अब एक्सेल में क्या है शॉर्टकट, अब शॉर्टकट क्या होता है, हर फीचर को हम दो चीज से यूज करते हैं, एक तो माउस पॉइंटर से और दूसरा डायरेक्ट शॉर्टकट से। ऐसा क्या है कि अगर आप एक्सेल के अलावा सारे काम अगर शॉर्टकट से करते हैं तो आपकी स्पीड है वो स्पीड तकरीबन 30% इंक्रीज हो जाती है, और मैं इस बात को मैं भी मानता हूँ कि स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो शॉर्टकट कहाँ से पता चलेगा, जहां पे आपने लिमिट सर्च किया था वहीं पे आप शॉर्टकट भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, वो शॉर्टकट ऐसे कि आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे फिर भी आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों का एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लिमिटेशन को पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट्स को पढ़ लीजिएगा,